कब हो गया था दावत में चेक करने आ गए सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों क्या देख रहे हो, मैंने नए कपड़े पहने हैं और हाँ, मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ और आज जा रहा हूँ मैं दावत में। और इधर फैमिली के लोग सब भीड़े पड़े मोबाइल पर, कोई मूवी और पिक्चर देख रहे हैं। और जो कि इधर मम्मी जो हैं चाय बना रही हैं, क्योंकि पापा और मम्मी की दोनों की तबीयत डाउन है, तो वो लोग चाय पियेंगे और मैं भी जो जल्दी से तेल वेल डाल के बाल काढ़ लेता हूँ। और ये कपड़े जो है मेरे को गिफ्ट में मिले थे बहुत प्रिय इंसान से। और देखिए इधर जो लगे पड़े हैं जुगनी, अंकित, प्रशांत और पापा मोबाइल देख रहे हैं। अब जो वहाँ से हटकर यहाँ आ गए हैं ये लोग और यहाँ पर मोबाइल देख रहे हैं, ये है अंकित और इधर मेरी सिस्टर जुगनी इनको पूरा दिन मोबाइल देखने का काम है। और चलिए फिर रेडी हो जाते हैं जल्दी से। मैं पहले लेता हूँ जूते और जूते पहन के मैं रेडी हो गया हूँ। और इधर किस्सा, हाय, आई एम अभिषेक गैमर, हाय, आई एम मिस्टर विशाल सैनी, बैंक तू भी बोल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, और ये बवाल किसी की दादी की बना ले। बताओ क्या कह रहे हो, एक दो तीन और एक चार, मोटरसाइकिल पे जाने के लिए एक्टिवा लेकर आए हैं भाई। हमारी एक्टिवा अंदर खड़ी हो गई है तो अब निकलेगी नहीं। कह दिया नमाज देखने जा रही हूँ ना, फिर तो मारेंगे घर के, बंद कर देंगे और बंद हो जाएगी। इट्स नेवर टू लेट, मतलब क्या मतलब इसका, इट्स नेवर टू लेट। तो साथ ही खड़े थे मेरे मोहल्ले के प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, तो बोले कि हमारा एक फ़ोटो खींच दो। हमने फ़ोटो खींचा, वो हंसने लगे ये बोल रहे थे फ़ोटो खींच दो हमारा, तो खींच दिया। देखोगे फोटो कैसा खींचा, वीडियो देखिए तुम अपनी। दो ये देख रहे हैं इधर। तेरा नाम क्या बेटा है? सात्यम। तेरा नाम क्या है भाई? तेरे पापा का नाम क्या है? तेरे चाचा का? नहीं यार, चाचा जी। तू बता भी, तेरे चाचा का नाम क्या है? हैं? पहले मैं अकेला जा रहा था लेकिन अचानक से प्लानिंग बनी, रोहित भी चलने लगा साथ। मैं कहा चलो एक से भले दो। तो मेरे जो बाकी के दोस्त थे उनको मेरे पर शक हुआ कि ये जो दावत में नहीं जा रहे हैं, जबकि मेरे फ्रेंड की शादी है मैं वहाँ जा रहा था, लेकिन इन दोनों को भी शक हुआ कि ये वहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ रोहित है, ये गोली देकर कहीं और जा रहे हैं। और ये भी पीछे से बाइक लेकर आ गए हमारा पीछा करते करते। और बहुत सारी जिद्दोजहद के बाद हम पहुँचे एक नतीजे पर, तब जाकर इनको विश्वास हुआ कि हाँ ये दावत खाने जा रहे हैं। कार्ड दिखा, अरे दिखा दिया यार विशाल, कार्ड दिखा दिया भाई, कार्ड दिखा दिया दावत। एक साया, दो साया, तीसरा साया, अरे एक चौथा साया खुल गया। तो हुआ ऐसा, मैं सिंगल जा रहा था तो उसका ही मन नहीं लगा, एक आया इसका कॉल, मैं चल रही तो भी चल। उसके बाद तुरंत बाद ये लोग भी आ गए थे। अब मैंने बोला या नहीं बोला पता नहीं, ध्यान नहीं रही, लेकिन ये बोल रहे हैं हमसे नहीं बोला था उसके, लेकिन इतने बेहा हैं उसके बाद भी हसन बोल रहे हैं, इतने बेहा आदमी है ये, चेक करने आ रहे हैं किसी गाड़ी लेकर कि दावत में जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, जबकि आई प्रॉमिस दावत में जा रहा हूँ, मगर ये साथ तो इनको ये लग रहा है कि ये और कहीं जा रहे हैं। अगर मैं सिंगल आता तो लगता दावत में जा रहा है, लेकिन इसके साथ आते ही मामला जिसमें डगमगा गया। अभिषेक और विशाल, सबसे पहले आपको सॉरी क्योंकि मैं अपने साथ आप लोगों को नहीं ले पाया, आप लोग निमाइश देखें और मज़े करें, बाय बाय। दोस्तों जीवन में दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, जिनके साथ सुख दुख और अपनी फीलिंग्स को जो है शेयर कर सकते हैं। तो बहुत समय बाद हम पहुंचे अपने मित्र के गांव हरियाणा, मेरे मित्र की आज जो है मंडा और लगन रिश्ता आ रखे हैं, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए थे। आखिरकार हम पहुँच ही गए अपने मित्र नरेंद्र के यहाँ, जहाँ पर बहुत सारे जो है मित्र मिले हम लोगों को, जिनसे वार्तालाप हुई। और इधर जो है नरेंद्र का घर है,
और नरेंद्र से भी अभी आप लोगों को मिलवाता हूँ। इधर जो है महेश हैं और इधर जो है हमारे मित्र नरेंद्र ने हमारे लिए नाश्ता लगवाया है। तो ये सामने हल्के से शर्मा रहे हैं, ये हमारे मित्र नरेंद्र हैं और इन्हीं की शादी है और इधर महेश भी बैठे हैं और जो है नाश्ता टेबलों पर लग कर रेडी हो गया है। आइए आप भी कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद हम पहुँचे अपने तहिरी सिस्टर के घर। इसी गाँव में मेरी तहिरी सिस्टर भी हैं और उन्होंने जो है अपनी शादी की जो एल्बम और वीडियोग्राफी हम लोगों को दिखाई। चलिए फिर मैं भी आपको बारी बारी करके दिखाता हूँ वो शादी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही ब्लॉग हम लोग आपको देते रहें। हमारे फादर साहब हैं, चलो ये फैमिली है, दोनों बहनों ये रखे। अच्छा, मतलब मूंछ अलग है। हाँ, अलग तो था ही उस समय कुछ। ये बड़े वाले हैं जो गमे में, ये बैठी बुआ जी हमारी है। इनकी बुआ मौसी जी, आपका फोटो ना दिखाई दे रहा वो बाद में, तो ध्यान नहीं रही कुछ भी। और फिर वापस पहुँचे वही पुराने ठिकाने पर अर्थात अपने मित्र के यहाँ, जहाँ पर और बहुत सारे मित्रों से एक बार फिर मुलाकात हुई, जो नए नए चेहरे हम लोगों के सामने आए बहुत सारे और बहुत दिनों बाद वो लोग हमसे मिल पाए। बेचारा इसका कब हो ही गया था, तुम खड़े हो तो फिर मजे लेंगे, आएगी जल्दी आएगी। और इसी के साथ लगन रिश्ता जो है संपन्न हुआ, चढ़ चढ़ाकर जो है जो भी कार्य होते हैं वो समाप्त हुए और उसके बाद जो है आसमान में रंग बिरंगी जो है पटाखों ने अपनी बौछार की और सबका मन बोल गया।